इसी लॉरियल पेरिस ब्राइडल वीक को ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जिसमें टॉप डिजाइनर्स ने प्रेजेंट की अपनी ब्राइडल कलेक्शन 2012 ऑन द रैंप। ये ब्राइडल वीक ऑर्गेनाइज किया गया रॉयल पाम कंट्री क्लब लाहौर में, जिसे अटेंड किया शोबिज पर्सनालिटीज के साथ साथ सोशलाइट्स की बहुत बड़ी तादाद ने। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, हमारे लिए बहुत डिफरेंट है, बिकॉज अभी तक हम लोग जो करते आए वो प्रेड करते आए, तो बट इवन द ब्राइडल हैज गॉट अ ट्विस्ट टू इट, यू नो, हसन शरियार ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ज्वेलरी शोज ने काफी चेंज किया है। इस ब्राइडल वीक में फैशन डिजाइनर्स, ज्वेलरी डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट ने शोकेस की अपने स्किल्स एंड टैलेंट इन वेरियस शोज। चार दिन तक जारी रहने वाले इस फैशन शो में हर दिन तीन डिजाइनर्स की कलेक्शन को शोकेस किया लीडिंग मेल एंड फीमेल मॉडल्स ने। सारे लोग हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, मॉडल्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं हु आर हियर टू सपोर्ट द इवेंट। आई थिंक पीएफडीसी तो खुद ही एक ब्रांड नेम बन गया और अब उन्होंने लॉरियल ब्राइडल वीक कर लिया, सो दैट्स अमेजिंग। एंड डमास्क जिसका मैंने सेट पहना हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, बीइंग द ओनली मल्टीनेशनल ब्रांड इन पाकिस्तान इन ज्वेलरी, दे हैव कनेक्टेड देमसेल्व्स विद दिस ब्राइडल वीक। अच्छे डिजाइनर्स हैं, एज ऑलवेज सब अच्छा काम करते हैं, सो आई एम गेटिंग एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू गो इनसाइड एंड आई एम गोइंग टू सी एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज यू नो पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल जो है, दे आर नाउ फेमस फॉर डूइंग एक्सेलेंट शोज विद एक्सेलेंट डिजाइनर्स। Watched Fahad Hussain's collection. It's just finished. Really nice. Lots of interesting textures. Fahad used velvet and he used net and he used a lot of dark colors with mixed in with some jewel colors and then going on to a few pieces that were bright. रहा बहुत ही सक्सेसफुल, जिसमें थे ऑल द एलिमेंट्स टू मेक इट द परफेक्ट ब्राइडल शो, एलिमिनेटिंग द ओल्ड ट्रेंड्स एंड क्रिएटिंग द न्यू ट्रेंड्स व्हाइल कीपिंग अप विद द पोस्ट मॉडर्न लाइफ। आप आस्ता आस्ता देखेंगे कि हम जो ये शादी के जोड़े, शादी का सीजन, एक सारी चीज जो है इसमें हम एक किस्म का फिनेस, एक किस्म की सोफिस्टिकेशन के साथ साथ जो मैं कहना चाहूँगी कि सिंप्लिसिटी भी आए, क्योंकि हम एक पुराने ट्रेडिशन को लेके तो चल रहे हैं लेकिन हमें उसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए अपने माहौल को देख के।